बाबा बहुत बढ़िया प्रसंग, वही राम चरितमानस से रामायण से प्रसंग मिला कि माँ सीता जी की शादी राम के साथ में हुई और अयोध्या में आई। तमाम कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तमाम अयोध्या के नर नारी सम्मगन होकर के माँ सीता को मुंह दिखाई के रूप में दे दिए। और राजा दशरथ जी ने श्रीमण मुद्रिका दिए मुंह दिखाई में, जो कि जब माँ सीता, राम और लक्ष्मण जंगल के लिए जा रहे थे तब वही मुद्रिका दे करके निषाद राज को नदी को पार किए। चला तनी कुछ बच गया लाल। बाबा मास्टर के हमारे संकेत हो कि एको प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहोता कहत का बा बाबा यह बतिया कहोता कि सब कहे कि बहुत सुघर बाड़ू तू। ओ प्रेमी कहत कि सब कहे ला कि बहुत सुघर बाड़ू तू, तोना लागे न काजी उमरिया में। इधर आप आदरणीय प्रसिद्ध श्रीमान दिलीप कुमार शर्मा बरुआरीपुर के पावन धरती से एक रुपया के महान माया पुरस्कार भैया के बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है, कहना है आसमां में अजोरिया उगे रात की। सरा बिना ताकल करा रूप की रानी छत से नाकल बिना। प्रेमी अपनी प्रेमिका की आंखों का वर्णन कर रहा है कि नैना पवलू सरा बिना ताकल करा रूप की रानी छत से ना झाकल करा रानी छत से ना झाकल करा रूप की रानी।
अन्हरियो में हरे अजोर हो जाला कि जे नेता केलू अन्हरियो में अजोर हो जाला कौनो जादू भरला बा नजरिया लेकिन यही पे असलियत वाली बात कहत हो। प्रेमी कहता क्या है कि तोह के फुर्सत में आके बनवले खुदा जे भी देखेला तोह के हो जाला फिदा तोहार जौन बढ़िया ढलानदार कमर हो एके देखे के बाद ई चलत है कि तोहके बड़ी फुर्सत से खुदा बनाए है। इसलिए इधर देव यादव छोटा सा मुन्ना के कर कमलों द्वारा 21 रुपया के महान महापुरस्कार मुन्ना जहां भी रहे खुशहाल रहे और आबाद रहे अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। तोहके फुर्सत में आके बनवले खुदा जो भी देखेला तोहके हो जाला फिदा हर जुलमी जवानी हर कहानी बनल कि तोहर जुलमी जवानी हर कहानी बनल दार लागे न कोरी चुनरिया आज ये जो प्रोग्राम यहां पर हो रहा है आप सब लहर म्यूजिक वर्ल्ड के सौजन्य से ये कार्यक्रम आप सबको यूट्यूब चैनल पर भी दिखाई पड़ेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर जरूर करिएगा जिसके प्रोप्राइटर हमारे बड़े भाई अजय कुमार यादव इधर आप आदरणीय छोटा सा मुन्ना वंश यादव के कर कमलों द्वारा 21 रुपया के महान माया पुरस्कार मुन्ना जहां भी रहे खुशहाल रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। देखा भैया हम लोग बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे जे जन्माए कि हम दुल्हा के बुआ ही हम दुल्हा के बहन है हम दुल्हा के काकी है दुल्हा के मौसी है तभी हम लोग जानब और दुल्हा के फूफा मौसिया चाचा चाची जे के हो बे भैया जब जन्मोब्या तब हम जानब कि यहाँ आए हैं और ना बगैर बताए के जान न पाए भैया। तेलिए सबसे गुजारिश बा कि आप लोग कम से कम एक जनवाज दें कि आज राजेंद्र भैया के यहाँ आप लोग निमंत्रण में आए हैं। कहना बा प्रसंग रामचरितमानस रामायण से आप सबको मिला इसीलिए मैं भी चाह रहा हूं कि बिरहा का भी प्रसंग उसी रामायण से हो कहीं हट के ना हो। जोड़ का मतलब होता है कि जहां पर कहानी का समापन हो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए।
चार लाइन के भूमिका हो मास्टर कहना बा मास्टर अयांश यादव छोटा सा मुन्ना जिनके कर कमलों द्वारा 21 रुपया के महान माया पुरस्कार भैया के बार बार प्रणाम है। हम लोगों का आशीर्वाद भी है कि हरदम खुशहाल रहो। इधर छोटा सा मुन्ना अंश यादव जिनके कर कमलों द्वारा 21 रुपया के महान माया पुरस्कार हम लोगों का आशीर्वाद है पूरी पार्टी की तरफ से कि जहां भी रहो एकदम खुशहाल रहो, परमात्मा आपका साथ देता रहे और अपने गांव का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करते रहो। से धरा गिरी अंबर हिमालय बहती जहां मात सरजू की धारा अनुपम छटा क्या घटा है निराली देव दनुज और मानव को है तारा जन्मे जहां सिंधु सागर खेवैया अरे धरा धन्य हो गई अयोध्या की नगर अरे पुलकित हुए राज दशरथ मगन है सुशोभित हुई आज रघुकुल की बखरी बाबूजी कहानी के समझ ले आरू आरू यादव छोटा सा मुन्ना के कर कमलों द्वारा 51 रुपया के महान माया पुरस्कार एकदम खुशहाल रहे मुन्ना खेलता खाता रहे हम लोगों का आशीर्वाद है। राजा दशरथ का चौथापन चल रहा है बाबूजी एक भी पुत्र नहीं है बाबा। पुत्र के वियोग में राजा दशरथ एकदम तड़प रहे हैं बाबा। कुछ विद्वानों ने उनको बताया कि आप राजन एक पुत्र यज्ञ कराइए और उसी यज्ञ के द्वारा खीर उत्पन्न होगा और उस खीर को अपने रानियों में बराबर मात्रा में बांट करके दे देंगे तो आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। आज बाबू साहब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है कहना बा एक लाइन गजल के भाव मिला मास्टर हाय हाय कहना है कि मेरे महबूब कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया तो मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया अरे तो मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया चाल किया चाल किया तो प्यार मांगा था झोली में गम को डाल लेकिन विरहा में कवि जी कितना बढ़िया लाइन लिखिन कहना बा कि हौसला दिल में हो
कि हौसला दिल में हो मुश्किल नहीं है काम यहाँ। तो हौसला दिल में हो मुश्किल नहीं है काम यहाँ। तो उन्हीं सुरमाओं का रटता जमाना नाम यहाँ। कहता है कि जिसके पास हौसला नहीं होता है बाबूजी, वो किसी काम का इंसान नहीं होता। कहना बात, हर एक दिन राजा दशरथ यज्ञ को रचाए है। करिश्मा कुदरत का वह चार पुत्र पाए है। एक दिन व्याकुल होकर विश्वामित्र आए है। समस्या अपनी मुनिवर राजा से बताए हैं। स्वयंवर राजा जनक सिया का रचाए हैं। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र आए हैं। तोड़ धनुषा को राम सभा में बहाए हैं। तोड़ धनुषा को राम सभा में बहाए हैं। तोड़ धनुषा को राम सभा में बहाए हैं। सिया सुकुमारे साथे ब्याह को रचाए है। यज्ञ करवाए राजा दशरथ, जिससे चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया बाबू साहब। राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 8 वर्ष के हो गए। तभी दंडक वन में विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। ताड़का नाम की राक्षसी उनकी तपस्या को भंग कर दे रही थी। विश्वामित्र महाराज राजा दशरथ के पास आए, अपनी समस्या को बता करके राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग लेते हैं। बाबूजी दशरथ जी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को देते हैं। विश्वामित्र लेकर के राम और लक्ष्मण को दंडक वन में जाते हैं। राम और लक्ष्मण के हाथों से ताड़का नाम राक्षसी का वध होता है। प्रमाण मिलता है बाबू साहब उसी ताड़का का जब सर काट लेते हैं राम, उसी ताड़का के सिर का जो है, जब वनवास गए थे रामचंद्र जी तो उसी सिर का खड़ाऊं बना था। और 14 वर्ष का राज वही अयोध्या का खड़ाऊं राज सिंहासन पर रख करके चलाया गया था बाबू जी। आज उधर राजा जनक जी सीता का स्वयंवर रचाए हुए हैं। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जाते हैं। गुरु की आज्ञा पा करके रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं। सीता के साथ में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राम लेकर के सीता को अपने अयोध्या में आते हैं। यहां तक की कहानी आप लोग सुने कि मुंह दिखाई होती है, लेकिन बाबूजी मुंह दिखाई होने के बाद राजा दशरथ जी सोच रहे हैं
कि मेरा चौथापन चल रहा है, क्यों ना मैं राजा राम को राजा बना दूं। बाबा आज वशिष्ठ जी को बुलवा करके राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज कोनो साहित ऐसे विचार दे बतावा कि राम का राज तिलक हो जाए। विश्वामित्र जी पत्रा उल्टे और साहित देख करके बता दिए कि फला दिन को राम का राज तिलक होना तय है। आज अयोध्या के लोग सब खुशी में झूम रहे हैं। बाबूजी एक लाइन तर्ज मिला मास्टर कहना है। अरे अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, कसम से तुझे मैं गले से लगाऊंगा, तू है सनम मेरा प्यार। इसी भाव में आज अयोध्या के लोग सब अपने मन में खुशी मना करके झूम नाच रहे हैं कि राम का राज तिलक होगा, राम राजा बनेंगे, तो कुछ न कुछ मिलवई करी। सब मगन में होकर के नाचत कूदत हैं कहना है। हाँ जब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, कसम से तुझे मैं घर से लगाऊंगा, सब ही कहे ला 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 कार आज राम राजा बने। सब एकदम मगन होकर के नाच रहे हैं, खुशियाली में झूम रहे हैं कि आज राम राजा बनेंगे, दान लुटाया जाएगा, कुछ आमदनी हो जाए। तो कहना है अरे अवध में खुशियाँ आई है, बाज रही सहनाई है, के पास मंथरा जाके, के पास मंथरा जाके ऐसा शब्द सुनाई है। बोली बजनवा तुरत देता मांगनवा तुरत, बोली बजनवा तुरत देता मांगनवा तुरत, राजा से बोली फटकार आज राम राजा। इधर खुशियाली मची है कि राम राजा बनेंगे, उधर मंथरा के काने में जब शब्द पड़ा वो जा करके माँ कैकेयी की बुद्धि को फेर देती है और कहती है कि रानी देवासु संग्राम में आप कितनी बड़ी मदद कहे रहो राजा दशरथ के, और आपके वरदान दे खातिर राजा दशरथ कहे रहन की मांग लिहो जो मांगे होए, अब वो का तोहके देह नहीं बाटे। कहन तब कहन समय आएगी भाई, यही में मांग लिया अपन मांगन। कैकेयी जी बाबूजी को भवन में जा करके लेट जाती है। दशरथ को जब मालूम होता है जाते हैं कैकेयी के शयन में और कैकेयी को बुलाते हैं। आज कैकेयी अपने बालों को बिखेर करके जब उठती है कहती है कि पिया मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि राम राजा बनत हैं, हमारे कैकेयी कुछ बढ़िया चीज मंगी है। खुशी में होकर के राजा दशरथ ने तीन बार कह दिया कि मांग लो जो मांगना हो, अरे मांग लो जो मांगना हो। त्रिवाचा
धरा करके आज कैकेयी जब मांगती है बाबूजी, तो राजा दशरथ जी बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ते हैं। माँ कैकेयी ने कहा कि राजन, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या की राजगद्दी। इतनी बात जब सुनते हैं दशरथ जी बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ते हैं बाबूजी। कुछ देर के बाद जब होश आता है, मायूस होकर के राज दरबार की तरफ जाते हैं दशरथ जी और वशिष्ठ महाराज से कहते हैं कि महाराज, हम आपसे साइत पूछे रहे कि राम राजा बनावे खातिर कोनो बढ़िया साइत बतावा, और आपने कैसी साइत बता दिया कि राम का राज तिलक हो किनका वनवास हो गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इस संसार में 6 चीज ऐसी है कि जिस पर किसी इंसान का जोर नहीं है, स्वयं इसकी देखरेख परमात्मा करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या महाराज? तब वशिष्ठ जी ने बताया रामचरितमानस में लिखा गवाई कि हो नहार हो नी प्रबल और बिलख कहो मुनिना, अरे हानि लाभ जीवन मरण, हर जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, हमने तो साइत बढ़िया विचार करके बताया था, लेकिन उस परमात्मा को नहीं मंजूर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आज पिता की वचन को मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण सीता तीनों अयोध्या को छोड़ करके जंगल की तरफ जाते हैं बाबू साहब। एक लाइन तर्ज मिला मास्टर, तर्जिया वह बात एको लड़का के बहुत देखुआ रावत रहे, बहुत देखुआ रावे, लेकिन वो ब्याह माने नहीं। एक दिन देखुआ रहा है बुढ़ौना बिगड़ के कहन तई बताओ कहे के ब्याह मानत नहीं है। तब वो दुल्हावा कहत है कि का बताई, हमरे मन के दुल्हनी नहीं मिलत, कौन ब्याह मानी हो। कहन तोहका ससुर कैसे दुल्हन चाहिए बताओ तनी। तब वो लड़का बतावत का बा, बाबा यह बतियाबा कि हमके दुल्हनी चाही, कि हमके दुल्हनी चाही अंग्रेजी स्टाइल वाली। लड़कवा कहत कि हमके दुल्हन चाही, बाबा इधर आप आदरणीय मग्घू भैया की तरफ से 51 रुपया के महान माया पुरस्कार। भैया के बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है, कहना है कि हमके दुल्हन चाही अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, तो एकदम लपकौआ, एकदम लपकौआ चपकौआ यार मोबाइल वाली। लेकिन इसी भाव में आज मर्यादा पुरुषोत्तम पिता की बात को मान करके अयोध्या से निकल पड़ते हैं बाबूजी। और जब निकल पड़ते हैं तो होता क्या है, हाँ, कि बन के जोगी घूमे, घूमे राम लखन अब साथे जनक दुलारी रहली ना। I got the
राज मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण सीता जी सब साथ में जंगल के लिए में निकल पड़े और घूमते 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 बाबू साहब पहुंचते कहां है कहना है। अरे पहुंच गए कांडों की कुटिया मुन जी रहे निहारी घूमते घूमते मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण सीता जी कांडो ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंचते हैं लेकिन कहना है। अरे पहुंच गए कांडो की कुटिया मुन जी रहे निहारी जैसे धरे बीमारी रहली ऋषि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण सीता जी को बढ़िया आसन देकर के बैठाते हैं और कुछ ला करके देते हैं जलपान करने के लिए। आज राम और लक्ष्मण सीता तीनों जन बैठ करके आसन पे जलपान कर रहे हैं और उधर कांडो ऋषि की निगाह माई सीता के ऊपर पड़ी कहें कहो ही बतावा ये जोगी बन के जंगलवा में घूमत है इनका मेहरारू कौन जरूरत बिया इतनी सुंदर मेहरारू लिए टहरत है ने कहूं ये मेहरारू अगर हमके मिल जात तो हमार तपस्या सफल हो जात। मर्यादा पुरुषोत्तम सोचते हैं कि बारे साधु बा इतना दिन के तपस्या तुम मेहरारू के बदे करत है आज इधर आप आदरणीय परम सद्य श्रीमान राम अवतार यादव यानी समधी जी के कर कमलों द्वारा 501 रुपया के महान माया पुरस्कार भैया के बार बार प्रणाम है आशीर्वाद की इच्छा है। मघु ट्रैक्टर वाले रौझवा के पावन धरती से 51 रुपया के महान माया पुरस्कार भैया के बार बार प्रणाम है आशीर्वाद की इच्छा है और कहना है। आज कांडोर सी सोचत है कि अगर मेहरारू इतनी सुंदर बागर हमके मिल जात अरे तो राजा का बात है हाय लेकिन एक लाइन तर्ज मिला मास्टर कहना है। पहले अहीर लोग गावा करते रहे अहीर जब बेचारे भाई छोड़ दें जेठ बैसाख की दोपहरिया में जेठ बैसाख की दोपहरिया में जब भैंस छोड़ दें और भैंस चली जाए उसरे में बाबू साहब और अगर सुर बैठ गया तो कंगकाने में अंगूरी चली गए तो भैंस चाहे दूसरे के चरिन चबा जाए तब कोनो होश नहीं तब वही समय पे का गावत रहे अरे कहा गौने का दौरिया भीतर कैदा मोरी भाऊ सैया तो हुए मोरे बारे का दिलवायो मोरी भौजिया अरे के कमहिया खा अरे सोवई कमोरे लगे सोवई खरी हना अरे सोवई कमोरे लगे सोवई खरी हना लाहुरी ना नदिया बोला थे बोला नहीं पिया आए दाना पानी के बहाना
इधर आप आदरणीय परम सदस्य श्रीमान राजकुमार यादव जिनके कर कमलों द्वारा 500 को 1 रुपया के महान माया पुरस्कार, भैया के बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है। लेकिन जब अहिर से यादव हो गए तब कागा बोल लगे, तब टंकी और नगाड़ा बजे लगा और बढ़िया जगहिया में 2 किलो के घूघर पहर के यहाँ से कूदे तो हो जाए के पहुंचे लीलगा उछल न जवन फरी मारे भाई साहब के देखोइया के होश उड़ जाए। तब वो कागावत रहे कि लाह गई मासा वाया साढ़ भरी गा नदी आयो नार हो गए रात दिन मा गाढ़े न नद के बिरना तो धुन तराना है। धुन तराना का मतलब जो ने की जैसे माघ पूस में निमोना बन जाए और थोड़ा बढ़िया चटनी सलाद मिल जाए भोजन के साथ में तो भोजन एक स्वाद ही बदल जाए। इसी तरह से कहना है आज कांडो ऋषि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण सीता को बैठा करके जलपान कर रहे हैं और इधर कांडो ऋषि देखत है तो माया सीता के सूरत को देख करके एकदम मोहित हो गए। अपने मन ही मन में वो लागे उनके सुंदरता को वर्णन करो तो करत कैसे हैं कि फिसली उमर का मशीन सीता लगने लगी हसीन। फिसली उमर का मशीन सीता लगने लगी हसीन सूरत अजब विधाता दीन रंग ऋषि देखत है कहन की बाहरे यह दुल्हनिया के जैसे तो एकदम आमे के अचारे के फाकी ब्या एकदम जान लो महेश राल टपकत ब्या कांडो ऋषि के। लेकिन और का कहत हैं कि बिंदी माथे पे रंगीन जैसे झलकै कौनो सीन। बिंदी माथे पे रंगीन जैसे झलकै कौनो सीन मुंह में दांत झीन झीन लच्छदार बाबू साहब एकदम जान ले कि बर्दाश्त नहीं होत बा कांडो ऋषि से और कहना का बा कि मुनि जी देखते गए पगलाई मन में धीरज ना बा। मुनि जी देखते गए पगलाई मन में धीरज ना बा भाई देहले काम देव सताई ही ले लागे मुड़िया सीता के रूप देख के एकदम खोई गए मर्यादा पुरुषोत्तम जलपान कह के बुलावत हैं महाराज। ए महाराज ए महाराज तब मारे झटका में मुनि जी देखत हैं कहन कहाँ खोई गए है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहन बाहर महात्मा भजन करत है। रामचंद्र जी अपने मन ही मन में जैसे कांडो ऋषि अपने मन ही मन में सीता के अपने सोचत रहन की हमारी औरत हो ही जाती वैसे भगवानों अपने मन में उनका एक वरदान दे दिए। अब वरदान दे कैसे उड़ान के भाव मिले मास्टर कि बर दिहले भगवान मुनि के कहे करो ना शंका। अरे दो पर युग में रानी बनी है अरे पूरा ना होई
मनसा हो नखरवा कुल भूलल बा बबुआ। अरे समय आया मुन जी ख्याल की है पिजड़वा नखरवा कुल भूलल बा बबुआ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने मन में कांडो ऋषि को एक वरदान देते हैं कि जाओ मुनि, जब त्रेता युग बीतेगा द्वापर लगेगा, उसी द्वापर में ये सीता जी आपकी दुल्हन बनेंगी। बाबा लेकिन दुल्हन तो बन जाई है, लेकिन तोहार कभो मनसा दस ना पूर होई। समय धीरे धीरे बीतता गया बाबू साहब, त्रेता बीत गया, द्वापर लग गया, होता क्या पापड़ के भाव लगल मास्टर। अरे मरण हो गया मुनिवर के बतलाई सुन ले भाई हो, त्रेता बीता द्वापर गई ले आई सुन ले भाई हो। समय त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया बाबूजी, और वह द्वापर में होता क्या है। अरे कांडो ऋषि द्वापर में भैले, अरे भैया गो धन ग्वाल हो, वृषभान के दुलारी राधा के सुनिला हाल हो। अरे गोधन राधा के भैली सगाई सुनी ले भाई हो, त्रेता बीता द्वापर गई ले आई सुनी ले भाई हो। इधर आप आदरणीय परम सदस्य श्रीमान राजेंद्र के ड्राइवर मग्घू की तरफ से 51 रुपया की महान माया पुरस्कार, भैया के बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है। बाबू साहब त्रेता बीता द्वापर लगा, और वही कांडो ऋषि आज गोधन ग्वाल के नाम से द्वापर में जाने गए, और वृषभान की दुलारी राधा जो थी वही सीता का अवतार था बाबू जी। और बाबू साहब राधा और कांडो की शादी तो हो गई, लेकिन बाबूजी दोनों जने की मनसा दशा नहीं पूर्व है, आल्हा के भाव लगल मास्टर कहना है। तो लिखा हो न हरिया के हो, अरे सा के नाम मिटाई भैया। जब गोधन ग्वाल की इच्छा नहीं पूरी हुई तो उनके मन में एक शंका हो गई कि हमारे साथ
परमात्मा ने कैसा खिलवाड़ कर दिया बाबा। आज बाबू साहब प्रभु परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, भक्ति में रम जाते हैं बाबूजी। ओम नारायण वासुदेवाय नमः, ओम नारायण वासुदेवाय नमः की जाप करने लगे बाबूजी। और भक्त की भक्ति को देख करके स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। लेकिन होता क्या है, आज बाबू साहब चार भुजाधारी कर धारण करके स्वयं भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। और जब प्रकट हुए तो कहते क्या है बाबा, अरे कैसे तमाशा कैला हमारे जीवनिया संग है, के चरणों में गिर करके आज गोधन ग्वाल कहते हैं कि भगवान ये कैसे तमाशा हमारे जीवन के साथ है कैलिया की, शादी तो हमार दुल्हनी से भय लेकिन हमार इच्छा नहीं पूरी भय। तो भगवान कहते हैं कि देखा चिंता न करा, चिंता न करा तो होके फिर से हम जीवन वरदान देते हैं कि अब की हरदम मेहरुए के साथ रह। तो कहते क्या है, का है भगवान देव दूसर बार भगवान ने कहा कि ए गोधनुगाल मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आज मैं तुझे दूसरा वरदान देता हूँ। लेकिन भगवान मर्यादा में ही वरदान दिए, आज वरदान देते क्या है खड़ी कही दे मास्टर। भगवान गोधनुगाल के वरदान देते न कहत का है, अरे कहिय गले जन्मवा में हो ब्या गोदाना तो का धा राधा के बजावे हाथ के कंगन। भगवान ने कहा कि गोधन जिस तरह से तुम्हारी इच्छा थी कि मैं बढ़िया सुंदर औरतों के साथ में रहूं, उसी तरह से मैं तुझे वरदान देता हूं कि जाओ आज से तुम गोधना बन के इस संसार में हमेशा औरतों के साथ में रहोगे। तब मरी गई ले गोधन ग्वाल, अरे गोधना बन के आए और माइयो बहिनिया सब रहली गोदान। जिस समय वरदान दिए बाबूजी गोधन ग्वाल का अंतिम संस्कार हुआ, मरण हुआ और फिर दोबारा जा करके गोदना के रूप में इस शरीर में प्रकट हुए और माताएं बहिनाएं बड़े चाव से उस गोदना को अपने हाथों में अपने गालों में अपनी नाक पे अपनी दाढ़ी पे गुदवाती थी। लेकिन आज वही गोदना जो है बाबूजी बाबा नाम बदल गया उसका, मेहरुआ नहीं मन से हुआ गोदवावे शुरू कर दी। जवनी जवनी जगह गोदना गोदवावा थी मास्टर, अब वही गोदनवा के नाम बदल के टैटू रख दिए। लेकिन कहना है मास्टर, अरे मनवा के मनसा पूरा ए मोहना
गुरु बिहारी गुरु रमन गुरु विश्वनाथ मोर बात अरे कथन करे पबिहा गुरु अरे बिरहा में विजय पता का हो तन खरवा कुल भूलल बा बबुआ तगाव महानंद जी नया नया लहरवान खरवा कुल भूल गीत बाबू साहब हमारे आदरणीय कवि जी श्री पपीहा जी के कर कमलों द्वारा से लिखा गया। इतनी सुंदर राइटिंग और इतना बढ़िया गीत सजा करके लिखते हैं बाबू जी कि गीत को गाने में भी आनंद आता है और सुनने में भी आनंद आता है। उस कवि की कल्पना है बाबू जी सदैव भगवान ऐसे कवियों की रक्षा करते रहें, आयु को बढ़ाते रहें, ताकि हम कलाकार उनके लेखनी के माध्यम से साथ साथ अपनी कला को आप सबके बीच में प्रदर्शित करते रहें। कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे कवि को, कहना है हर जन्म जन्म का साथ है।